आज अयोध्या राम मंदिर गर्भगृह स्थापन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या निर्माणाधीन राम मंदिर गर्भगृह शिलान्यास अयोध्या पहुंची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में अनेक साधुसंत जोगदे मंदिर गर्भगृह शिलान्यास अवसर में निर्माणाधीन अंचल को सुसज्जित राम मंदिर निर्माण काम जारी रही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2020 अगस्त 5 तारीख में यार शिलान्यास करते सही दिन ठारु मंदिर निर्माण काम जोरसोर चली शहश कारीगर मंदिर निर्माण काम नियोजित अच्छा धार्य समय रे मंदिर निर्माण काम शेष करने को लक्ष्य रखा जा सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज का ये दिन इस बात का उद्घोष करते हुए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास से जुड़े हुए मैं अपने सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस मर्यादा के अनुरूप विगत 2 वर्ष के अंदर बड़े धैर्य के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के इस कार्य को जिस तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, आज भव्य रूप भी अब आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को प्राप्त होने लग गया है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहा है वो अद्भुत होता है। अपनी आंखों के सामने मंदिर निर्माण के कार्य का यह भव्य रूप देख करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, मैंने तब भी इस बात को कहा था कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों के इस लंबे संघर्ष में हम लोगों की पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इन सब कार्यक्रमों के साक्षी बन रहे हैं। और सचमुच प्रभु राम की और हनुमान जी महाराज की हम पर एक विशेष कृपा है कि हम सबको ये सभी अपनी स्थूल दृश्य देखने को प्राप्त हो रहा है। उन सभी पूज्य संतों के प्रति श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चले लंबे संघर्ष के लिए जिन महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान किया था, उन सबको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं।